आप लोग सुन छा 90.4 कुमावन अपन रेडियो अपन बात। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो अपने रेडियो अपन बात में कुमावानी और मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट। दोस्तों कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए हम समय समय पर आप लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों को रेडियो में जोड़ते हैं ताकि आपका मनोरंजन हो सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक खास मेहमान से जुड़ रहे हैं। दोस्तों यूँ तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उनका नाम ही उनका परिचय है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका अपने इस कार्यक्रम में और करते हैं उनसे ढेर सारी बातें। जी नमस्कार तमाम श्रोताओं को जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विजय पंत, पंत लीला पहाड़ी गायक और अभी रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक से आप सभी लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। जी तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक बेहतरीन गायक हैं और आपने बहुत सारी गायकी में अपना अहम योगदान दिया है, तो आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करी गायकी क्षेत्र में? जी देखिए, जैसे हर एक उत्तराखंडी गायक कलाकार का मतलब शुरुआती मंच रामलीला का मंच होता है, तो मेरा भी मतलब शुरुआती मंच और मेरी शुरुआत भी रामलीला के मंच से हुई है। जी। घर का परिवेश संगीतमय था और संगीत का एक अच्छा माहौल घर में भी था और घर से भी प्रेरणा मिली, घर वालों ने भी प्रेरित किया और अपने जो और सगे संबंधी और लोग थे जो उन्होंने भी वो किया और रामलीला के मंच में सबसे पहले मैंने गाना गाया था, वहां से ही मेरी गायन का और मेरे गीत संगीत की शुरुआत हुई है। जी सर, आपने बोला कि आपने सबसे पहले एक गाना गाया था, अगर उस गाने के आप कुछ बोल हमारे तमाम श्रोताओं के बीच में रख दें तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जी। वो गीत माधो सिंह का एक नाट्य मंचन होता था उस दौर में, तो माधो सिंह का गीत था वो और माधो सिंह और उदीना बहरान का वो था, तो उसको मैं आप लोगों के सामने थोड़ा दो लाइन गा दूं। जी या तिरण निजान जानत जीतियाण, या तिरण निजान जानत जीतियाण, हे मेरा मन कमा दो, हे मेरा मन कमा दो, सपनों मांद रण सेना सजीच भैर, वो दिना न कर तू देर, सेना सजीच भैर, वो दिना न कर तू देर, प्रेमी वांग कडांडा मेरो दुश्मन भट्याणो, या तिरण नी जान जान तुझी तियाण, अरे या तिरण नी जान जान तुझी तियाण। जी सर, बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने सुंदर सा गाना हमारे श्रोताओं के बीच में रखा। तो सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आजकल जो लोगों की गायकी होती है वो मतलब कोई प्रेम से संबंधित गाने गाता है, कोई पहाड़ से संबंधित गाने गाता है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपके गानों के आधार क्या है, मतलब आप किससे संबंधित गाने ज़्यादा गाना पसंद करते हैं? जी देखिए, ज्यादातर तो अगर बात आए तो ज्यादातर तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जिस गीत को मतलब लोग सुनना पसंद करें, यानी कि हमारे जिस गीत में एक पहाड़ का दर्द हो, हमारे पहाड़ की संस्कृति हो। और वैसे अगर गाने की बात है तो मैंने मतलब हर एक तबके को मेरे से कुछ उम्मीदें हैं, गाने मैंने हर प्रकार के गाए हैं और गाऊंगा, चाहे अपनी जनरेशन के हिसाब से हो, चाहे पुराना गीत संगीत हो या चाहे उसमें नई प्रयोग की बात आए, समय अनुसार मुझे उसमें कुछ नया करना पड़े तो मैं वो करूंगा। जी। गाने मैंने जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक गाना आया था रीता सियाणी, तो काफी लोगों ने 21 लाख लोगों ने मुझे अपने आशीर्वाद दिया उस गाने में, 21 लाख लोगों ने उस गाने को पसंद किया, सुना है। और तो उस गाने को मैंने अपनी जनरेशन के लिए गाया था, यूथ के लिए मैंने उस गाने को गाया था और बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छे से पब्लिक ने और यूथ ने उसको स्वीकारा भी है। जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो धार्मिक की तरफ, मैं अगर जाऊं धार्मिकता की तरफ, तो मैंने बाबा केदार का एक भजन गाया है जी। तो वो भी हमारी धार्मिकता, हमारे जो पुराना हमारा बाबा केदार से जो नाता रहा है, बाबा केदार की जो यात्रा है ऊखीमठ से लेकर केदारनाथ तक की, उसका भी उसमें वृतांत है, उसका भी उसमें जिक्र है जी। इस तरह के भी मैंने गाने गाए। अगर दूसरे हिसाब से अगर देखे तो मतलब पंत दीदा जो मुझे नाम मिला है वो एक गाने के माध्यम से ही मिला है जी। एक गाना मैंने, क्योंकि दीदा हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक शब्द है जी।
जी। और ये लोगों ने बड़े सम्मान के साथ मुझे दिया, तो फिर मैंने ये गाना भी गाया जी। एक कि मतलब कुछ ऐसा हो जो हमारे पुराने रीति रिवाज से जुड़ा हो, पुराने शब्दों का जिसमें समावेश हो। तो मतलब हर प्रकार के गाने मैंने गाए हैं और गाऊंगा, लेकिन विशेष तौर पर अगर मेरी खुद की पसंद, और मैं अगर आप पूछ रहे हैं कि आप क्या ज्यादा हो, तो ज्यादा मेरा ये है कि जिसमें पहाड़ का दर्द हो, पहाड़ की पीड़ा हो, पहाड़ की संस्कृति हो, और ये सारी चीजें जिसमें हो, वो गीत ज्यादा गाना मैं पसंद करता हूँ जी। तो सर, आपका सबसे दिल के करीब अगर मैं बात करूँ तो कौन सा गाना है, अगर उसके आप दो चार पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं को सुना दे तो हाँ बड़ी खुशी होगी। जरूर जरूर। मेरे दिल के करीब मेरा एक गाना है, गाना क्या है, मेरा बहुत प्यारा भजन है और मेरी आस्था भी है बाबा केदार के प्रति, तो ये मैं दो लाइन आप लोगों के बीच में जी। लडोल्यों का बीच माँ गंगा बसी चा, हरे लडोल्यों का बीच माँ गंगा बसी चा, मेरा सिबुते देखा केदार बस्यों चा, मेरा सिबुते देखा कैलाश बस्यों चा, जय केदारा श्री केदारा, जय केदारा श्री केदारा, कन भले लग दी बाबा पंचमुखी डोली, ओखी मट बिटी बाबा केदार जुजाली, संग मा भक्तों की टोली जुवाली, जय बाबा केदार मीलिक बोलनी, जय केदारा श्री केदारा। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं और आपकी आवाज भी काफी खूबसूरत है, तो आपने क्या कहीं से शिक्षा दीक्षा ली है, मतलब आपने गुरु के तौर पे क्या किसी से शिक्षा ग्रहण की है संगीत की? जी, अच्छी गायकी के लिए आपने मुझे कहा है और इसके लिए आपने मेरा प्रोत्साहन किया, तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपका इसमें प्यार प्रेम, आपकी दुआएं और आपका ये सम्मान हमेशा मेरे लिए बना रहे जी। इसके लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात शिक्षा दीक्षा की, तो मैंने ये शिक्षा दीक्षा कहीं से नहीं ली है, और मेरे घर में मैंने जैसे कहा कि संगीत का माहौल रहा है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हारमोनी वादक हैं, मेरे छोटे भाई म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो इनसे मुझे सीखने का वो मिला जी। और जो कमी रह गई तो मैंने अपने उत्तराखंड के पुराने गीत संगीत को उसको टटोला, उसको सुना, और बाकी मुझे उत्तराखंड के माहौल ने सिखाया है जी। बाकी मुझे उत्तराखंड के परिवेश ने सिखाया है, यहाँ इस परिवेश में ही बहुत कुछ सीखने को है, अगर जिस बोली भाषा में जिस माहौल में हम लोगों ने जन्म लिया है वो माहौल ही यहाँ के संगीत को दर्शाता है। हमारे तो गढ़वाल में अगर कोई बच्चा रोता भी है तो उसके रोने में भी एक टोन होती है जी। तो यहाँ तो संगीत हम लोगों के रोम रोम में होता है, बचपन से होता है, हर किसी के होता है, बस सबसे कोई उसको उस तरीके से लेता है, कोई नहीं लेता है। बिल्कुल। तो पंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी गायकी के क्षेत्र में आपके अनुसार अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? मेरी उपलब्धि ये रही है कि मैंने आप लोगों के, अपने समाज के और अपने उन श्रोताओं के दिल में एक जगह पाई है जी। मेरी उपलब्धि, मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, और इसके माध्यम से कई मंच मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे मंच मिले हैं, भारत सरकार द्वारा मुझे सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और आप सब लोगों के, अपने श्रोताओं के नजरों में मुझे और उनके दिलों में जो मुझे सम्मान और जगह मिली है, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे खुद के लिए है जी, मुझे लगता है जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूँ कुमाऊनी भाषा की, तो कहीं ना कहीं आज लोग उससे दूर हटते जा रहे हैं, लेकिन आप जैसे कुछ गायक हैं जो कुमाऊनी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, कुमाऊनी भाषा से को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ इसके भविष्य की, तो आपके अनुसार गायकी का भविष्य कैसा है और विशेषकर कुमाऊनी गायकी का भविष्य कैसा है? जी देखिए, कुमाऊनी गायकी, बोली भाषा और जी संगीत का जहाँ मामला है जी। तो निश्चित ही एक टाइम आया था जहाँ मुझे लग रहा था कि एक संकट भरा माहौल और एक संकट मुझे दिख रहा था अपनी बोली भाषा के लिए, अपनी कुमाऊनी भाषा के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है, काफी लोग इसके लिए चिंतित थे और इस विषय पे काम भी कर रहे हैं, और आज जो प्रयोग भी संगीत में हुआ है तो निश्चित ही इसका भविष्य होगा जी। अच्छा भविष्य होगा, बस करते हम सब लोग इसमें सहयोग करें, एक एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, और अपने इस चीज से हम जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े, जिस परिवेश में हमने जन्म लिया है
उस परवेश को हम कभी ना छोड़ें, उस बोली भाषा को हम कभी ना छोड़ें, उस माहौल को हम कभी ना छोड़ें। ठीक है हम दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, हम बाहर चले जाएं उस माहौल से, लेकिन अपनी जड़ों के पास हम जरूर जाएं और उनको सींचने का काम करें, अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करें, तो निश्चित ही है उसका भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि जब जनरेशन उसको उस तरीके से स्वीकारेगी और उसको समझेगी और अपने जीवन में उतारेगी तो भविष्य होगा। जी सर, मैं मतलब कहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर तरक्की करना चाहो तो आपका कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आदर्श होना चाहिए जो आपको उस राह पे चलने के लिए प्रेरित करे और आपको एक नई दिशा दिखाए और आपको सही दिशा दिखाए। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आपका क्या अपने जीवन में कोई ऐसा आदर्श है जो आपको इस क्षेत्र में जाने के लिए बार बार प्रोत्साहित करते हैं? जी मेरे लिए मेरे आदर्श हैं अपने रून चमोली जी हैं, जो विद्यार्थी परिषद में हैं, विद्यार्थी परिषद के बहुत अच्छे सेवा भाव से विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। वो मुझे हमेशा संगीत के लिए प्रेरित करते हैं जी। उनका मुझे हमेशा से बहुत अच्छा मतलब जिसको कहते हैं सपोर्ट मिला है। दूसरे हमारे रमेश गड़िया जी हैं भाई साहब, तो उन्होंने मुझे संगीत के लिए प्रेरित किया। तो मेरे अगर आदर्श और मुझे प्रेरणा की बात करूं, अगर आदर्श मैं मानूं तो मैंने अरुण भाई साहब को कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देते हुए देखा है, चाहे वो शुरुआती रामलीलाओं के मंच का हो, चाहे उनका साहित्यिक आज उनकी कविताओं के माध्यम से। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं और उनको आदर्श भी मानता हूं और उनसे मुझे प्रेरणा भी मिलती है और वो मुझे प्रोत्साहन भी करते हैं। जी सर, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं हमारे पूरे देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो ऐसे में हम कुमाऊँवाणी के जरिए प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को गीत संगीत के और करीब लाया जाए ताकि वो तनाव की स्थिति से थोड़ा सा दूर हो सके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, तो आप तो स्वयं एक गायक हैं, आप खुद संगीत की दुनिया में समाये हुए हैं, तो आप अपना समय इस दौरान कैसे व्यतीत कर रहे हैं? हम तो संगीत सुनकर अपना समय व्यतीत करते हैं, तो आप कैसे व्यतीत कर रहे हैं कोविड-19 के समय में? जी ये देखो ये बड़ा संकट है और ये संकट वास्तव में सब लोगों के लिए बहुत ही ठीक नहीं रहा है और ये एक मतलब वो भी है कि मतलब लग रहा है कि कुछ थम्स आ गया है मामला। और अपना हमारा जैसा है, हमारा तो गीत संगीत के साथ अपना वो हो जाता है कि हम गीत संगीत में बने रहते हैं, आजकल कुछ नई रचनाएं लिख रहे हैं, आजकल कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। और जो अपने हमारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, समय समय पे उनसे लाइव आ रहे हैं जी। और जो बचा कुचा समय होता है लॉकडाउन का खुद भी पालन कर रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि इसका पालन करें और सामाजिक उनमें भी अपना योगदान देते रहे हैं, सामाजिक दूरियों का ध्यान रखें, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में भी जितना हो सकता है। अभी जैसे मेरे पास समय होता है तो मैं एक जागरूकता का अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने पेज के इसके माध्यम से हम लोग सब लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों को अपने अनुभव, अपनी बातचीत और अपने दिल की बात, अपने गीत संगीत का सफर उनसे साझा करते हैं जी। तो हमारा सफर ऐसा ही और हमारा समय ऐसा ही कट रहा है घर में संगीत के साथ और रिहाज है और कुछ नहीं रचना ही है तो उसके साथ हमारा समय कट रहा है जी। तो सर आपसे मैं मतलब अभी आपको हमारे, अगर मैं बात करूँ कुमाऊँवाणी के परिवार की बात करूँ तो हज़ारों की संख्या में हमारे श्रोतागण हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे तमाम श्रोताओं को कुछ संदेश दें कोविड-19 के बारे में ताकि वो भी आपकी बातों को अनुसरण करें और ये जो अभी विपत्ति का काल है, इस विपत्ति के काल में अपना धैर्य बना के इसको काटें और एक उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आय को इंतजार करें। आप कुछ संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें तो। जी बिल्कुल, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कुमाऊँवाणी की पूरी टीम को देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने श्रोताओं से मुखाबित होने का सौभाग्य प्राप्त होने दिया जी। और देखिए संदेश ये है कि ये स्थिति ऐसी है कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है और इसमें हर एक आदमी को एक समझदारी के साथ कुछ भी करना है जी। हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, नियमित रूप से जो सरकार हमें दिशा निर्देश कर रही है उसका हम पालन करें जी। और जो हमारे प्रवासी भाई लोग बाहर से आ रहे हैं अपने गांव क्षेत्र की ओर,
तो उनसे हम सामाजिक दूरियां जरूर बनाएं, लेकिन सामाजिक भेदभाव बिल्कुल न बनाएं। तो अपने एक सामाजिक दूरियों के साथ अगर हम उनको सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं तो वो जरूर करें। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के भरोसे न रहें बिल्कुल कि केवल वही करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हमारा भी नैतिक कर्तव्य होता है इस समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कि हम भी कुछ अच्छा वो करें। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी बातें वो कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, अपने घरों में सबको जागरूक कर सकते हैं। तो सब लोगों से मेरा यही आग्रह है कि लॉकडाउन का पालन करें और जो निर्देश हमें आगे से हो रहे हैं उनका पालन करें। जी, तो पंत जी बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे तमाम श्रोताओं को अपनी आवाज़ सुनाई। लेकिन मैं आपसे जाते जाते एक और गुस्ताखी करने के लिए आग्रह करूंगी कि आप अपनी आवाज़ में हमारे श्रोताओं को जाते जाते सुंदर सा कोई गाना जो आपको पसंद हो उसको आप सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल, मैं ये गाना तमाम श्रोताओं को समर्पित करता हूँ, आपकी पूरी टीम को समर्पित करता हूँ, उन लोगों को समर्पित करता हूँ जो अभी भी बाहर फंसे हुए हैं और अपना पहाड़ आना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरे दिल की ये आवाज है, मेरे दिल की भावनाएं हैं। वो तेरा खंडी भय बहनो, 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 वो तेरा खंड की दीदी भूलो, जीराया जागीराया, जीराया जागीराया, उत्तराखंडी पर्वती भै बनो, जीराया जागीराया, लागे बाडुई लागे बाडुई, उत्तराखंड की पर्वती दीदी भूलो, जीराया जागीराया, लागे बाडुई, उत्तराखंड का पर्वती दीदा भूलो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका, आपने सुंदर सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाया और उम्मीद करते हैं आपसे हम ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे और बहुत जल्द आपसे रूबरू होने का हमें मौका भी मिलेगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपकी दीर्घ आयु और उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनने छा 90.4 कुमावाणी अपन रेडियो अपन बात।